नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह, लेकर आई हूं आपके लिए गुड न्यूज बुलेटिन। बदलाव की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ बदला, आइए जानते हैं। श्री रामलला के दर्शन के लिए बीआईपी के आने पर यातायात प्रभावित ना हो, इसके लिए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से श्री रामलला मंदिर तक डेडिकेट्स वीआईपी लेन बनाया जाएगा, जिससे वीआईपी मूवमेंट में यातायात प्रभावित ना हो। गुरुवार को मंडलायुक्त गौरव दयाल में लोक निर्माण विभाग के सहित अन्य अधिकारियों के साथ अयोध्या की महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से श्री राम मंदिर तक उपलब्ध विभिन्न वैकल्पिक मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या एयरपोर्ट के प्रस्तावित टर्मिनल 2 से बूथ नंबर 4 तक जोड़ने विभिन्न मार्गों को भी देखा। इसमें गंजा से पावर हाउस वाले मार्ग, जिसको वर्तमान में 2 लेन किया जा रहा है। मुरादाबाद फरुखाबाद हाईवे के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। अब हाईवे बदायूं से उसावा के बीच 7 मीटर से बढ़कर 10 मीटर चौड़ा होगा। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा, साथ ही दुर्घटनाओं की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी। अधिकारियों के अनुसार सितंबर अक्टूबर तक रोड के चौड़ीकरण का काम पूरा हो जाएगा। अक्टूबर से लोग अपने वाहनों के साथ फर्राटा भर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एएआई का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यह लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर भी अपना प्रवेश कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट की एएआई पासवर्ड चैटबॉट कोपायलट को टेलीग्राम ऐप से जोड़ा गया है। यह चैटबॉट एक इंसान की तरह बात करने में सक्षम होगा और यूजर्स को कई तरह से लाभ मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें इलाज के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, डिस्चार्ज क्लेम क्लियर भी चंद घंटों में हो जाएगा। बीमा धारकों को राहत देते हुए बीमा नियामक IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस पर 55 सर्कुलरों को रद्द कर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। ये इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम कदम है। लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए बृहस्पतिवार को पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी विद्युत बाधित हो, वहां उपभोक्ता जनप्रतिनिधि तथा मीडिया को सूचित किया जाए कि किन कारणों से आपूर्ति बाधित हुई है, विद्युत बहाली में कितना समय लगेगा, 1912 पर भी इसकी सूचना दी जाए, जरूरत पड़े तो लाउडस्पीकर से घोषणा भी कराई जाए, उच्च अधिकारी स्थानीय कर्मियों का सहयोग करें। फिलहाल के लिए गुड न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स।